हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नबील। इस वीडियो में वीवो Y200 5G स्मार्टफोन के आपको मैं बताने वाला हूँ 60 से ज़्यादा फीचर्स, ताकि आप इस वीडियो को देखकर इसी वीवो Y200 5G स्मार्टफोन को बहुत ही इंटरेस्टिंग औसम कमाल धमाल तरीके से यूज़ कर सके। तो चलिए, सबसे पहले फीचर की बात करने के लिए, आप दो दो एप्लीकेशन को एक ही फ़ोन में एक ही वक्त में एक ही स्क्रीन में यूज़ करना चाहते हैं तो एक एप्लीकेशन ओपन करके थ्री फिंगर को ऊपर लेकर जाएंगे तो नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आता है। इस तरह से आप दो एप्लीकेशंस यूज कर सकते हैं और ऊपर वाला ऐप नीचे, नीचे वाला ऊपर भी कर सकते हैं। ड्रैग करके छोड़ेंगे चला जाता है। स्क्रीनशॉट लेने के लिए थ्री फिंगर को नीचे लेकर आएंगे और वॉल्यूम मैनेज बटन और पावर बटन, इन दोनों बटन के ऊपर एक साथ प्रेस करेंगे तो भी स्क्रीनशॉट लग जाता है। ये हो गए दो तरीके। और अगर आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना है तो आप कैसे भी स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद यहां पर लॉन्ग स्क्रीनशॉट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको कहां तक चाहिए लॉन्ग स्क्रीनशॉट, इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना है, यहां तक चाहिए बस। उसके बाद यहां पर सेव बटन पर क्लिक करना है, ये लॉन्ग स्क्रीनशॉट लग जाएगा। अगले फीचर के लिए, अब मान लो आप दो एप्लीकेशन के बीच में काम कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन ये है और दूसरा एप्लीकेशन ये, तो पहले वाले एप्लीकेशन में जाने के लिए इस मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है। और अगले फीचर की बात करने के लिए आपको आना है दोस्तों इस फोन के सेटिंग्स में। आपको यहां पर मिलता है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, इस सेटिंग में आना है। यहां पर आपको मिलता है आई प्रोटेक्शन, आप इसको ऑन करेंगे तो डिस्प्ले का कलर इस तरह से वार्म हो जाता है। इसके ऊपर क्लिक करके इसकी कैपेसिटी आप ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ये क्या है आपको मैं बताऊंगा। अब मान लो आप इसको ऑफ करके रात में स्मार्टफोन को यूज करेंगे तो आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स जाएंगे, वो ब्लू लाइट्स आपकी नींद को किल करते हैं, इसलिए आपको ऑन करना है रात में स्मार्टफोन को यूज करते वक्त। ब्लू लाइट्स फिल्टर होंगे, आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स नहीं जाएंगे तो आपको नींद आएगी टाइम टू टाइम। शेड्यूल पर इसको सेट कर लेना, सनसेट टू सनराइज पर सेट करेंगे तो जैसे रात होती है ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है ये फीचर, जैसे सुबह होती है ऑटोमेटिक ये फीचर ऑफ हो जाता है। तो चलिए बैक आता हूँ। एक स्टेप, डार्क थीम को ऑन करेंगे तो पूरा फोन ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है, बैटरी बैकअप ज़्यादा देती है और आपके आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता स्क्रीन का। इसको एनी टाइम ऑन करके यूज़ करना, मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ कर रहा हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। उसके बाद नीचे आने के बाद आपके यहाँ पर मिलता है फाउंट एंड डिस्प्ले साइज, इस सेटिंग में आने के बाद अगर आपके आंख कमज़ोर है तो आप अपने फाउंट्स को इतने बड़े कर सकते हैं ऐसे। और इसके बाद यहां पर नीचे आने के बाद यहां पर बोल्ड भी कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को, आप बोल्ड करना चाहे ये कर लीजिए। और हाई कॉन्ट्रास्ट टेक्स्ट, मतलब अपने फाउंट्स को आप कॉन्ट्रास्ट में लाना चाहे ये भी आप यहां पर कर सकते हैं। ऑन करूंगा तो कुछ इस तरह से दिखते हैं आपके फाउंट्स, ऑफ करूंगा तो कुछ इस तरह से दिखते हैं, आपको जो अच्छा लगे उसको सेट कर लेना। एक स्टेप बैक आने के बाद आपके यहां पर फाउंट स्टाइल मिलता है, आप यहां पर टिक करके एग्री होना है इसमें। उसके बाद आपके यहां पर क्लासिक फॉन्ट्स मिलते हैं, इसको आप अप्लाई करके यूज करना चाहे यूज कर सकते हैं। बैक आकर डाउनलोड मोड पर क्लिक करके स्टाइल्स वाले फॉन्ट्स आप डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं, आपको जो फॉन्ट्स अच्छे लगते हैं उसको डाउनलोड करके अप्लाई करेंगे तो आपके पूरे फोन के फॉन्ट्स उसी स्टाइल में हो जाते हैं। दोस्तों बैक आता हूँ सेटिंग्स में, आके डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आके नीचे आता हूँ। स्टेटस बार आपको इसमें आना है, नोटिफिकेशन मेथड में आना है, आप नन करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर आपको ऊपर कुछ भी नहीं दिखेगा। आप करेंगे आइकन्स तो आइकन्स दिखेंगे और आप नंबर करेंगे तो क्वांटिटी दिखेंगे। आप यहाँ पर आइकन्स कर लेना, अच्छी बात है, जो भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आते हैं उनके आइकन्स दिखेंगे। शो रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, ऑन करेंगे आपके इंटरनेट का स्पीड कितना है हर सेकंड यहाँ पर आपको ऊपर बताएगा। और बैटरी परसेंटेज को भी ऑन कर सकते हैं ऐसे बैटरी परसेंटेज को देखने के लिए। एक स्टेप बैक आने के बाद आपके यहाँ पर मिलता है और स्क्रीन रिफ्रेश रेट, आप इसमें 120 हर्ट्ज पर सेट कर सकते हैं। 120 हर्ट्ज पर सेट करेंगे तो आपका स्मार्टफोन स्मूथ चलता है। अगले फीचर की बात करने के लिए वापस से हम सेटिंग्स में आते हैं। नीचे आकर डायनेमिक इफेक्ट्स में आपको आना है, यहाँ पर एम्बिएंट लाइट इफेक्ट है, आप इसको ऑन कर लेना। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं और यहाँ पर ऑन स्क्रीन डिस्प्ले के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। कस्टम टाइम को ऑफ करना, इनकमिंग कॉल्स इसको ऑन करके लाइट इफेक्ट फॉर इनकमिंग कॉल्स, मतलब जो स्टाइल को आप सेट करेंगे तो कॉल आने के बाद उसी स्टाइल में वो एड लाइटिंग लगेगा, काफी कमाल का दिखता है। एक स्टेप बैक आने के बाद नोटिफिकेशन एप्स, कौन से एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आने के बाद वो एड लाइटिंग लगना चाहिए उसको आप यहां पर सेट कर लेना। बैक आएंगे यहां पर लाइट इफेक्ट फॉर नोटिफिकेशन, आप यहां पर डिफरेंट लाइट रख देते हैं नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए बैक आते हैं, फिंगरप्रिंट आइकन एनिमेशन है, मतलब आप फिंगरप्रिंट सेट करके रखें तो लॉक स्क्रीन पर एक आइकन दिखता है, उस आइकन के स्टाइल को यहां से चेंज कर सकते हैं। और बैक आने के बाद फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन एनिमेशन, मतलब आप फिंगरप्रिंट से अनलॉक कर रहे होते हैं तो एक इफेक्ट आता है, उस इफेक्ट के स्टाइल को भी आप यहां पर चेंज कर सकते हैं। फेस रिकॉग्निशन एनिमेशन है, मतलब आप फेस लॉक सेट करके रखें तो लॉक स्क्रीन पर इस तरह से एक ताला बताता है, उसको निकाल कर आप कोई भी एक आइकन रख सकते हैं, अच्छा लगे इसको अप्लाई कर लेना। बैक आने के बाद चार्जिंग एनिमेशन है, मतलब चार्जिंग लगाने के बाद लॉक स्क्रीन पर इस तरह से एनिमेशन आता होगा, उसके स्टाइल को भी आप यहां पर चेंज कर सकते हैं। और चलिए उसके बाद में यहां पर यूएसबी लगाने के बाद भी एक एनिमेशन सेट कर सकते हैं, इफेक्ट निकल कर आएगा। और ऑन ऑफ स्क्रीन ऑन ऑफ का भी एक एनिमेशन आप यहां पर सेट कर सकते हैं।
दोस्तों अगले फीचर की बात करने के लिए इस नोटिफिकेशन पैनल में हम आएंगे। आप इस फोन में वाईफाई और हॉटस्पॉट दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं। अपने वाईफाई का इंटरनेट हॉटस्पॉट के जरिए किसी और को शेयर कर सकते हैं बिना उस फोन में अपने वाईफाई का पासवर्ड डाले। इसके बाद यहाँ पर आपको एस कैप्चर बोलकर एक आपको यहाँ पर इसमें बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। यहाँ से लॉन्ग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और यहाँ पर आप रीसाइज करके अपने हिसाब से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इसी एस कैप्चर में हम आकर देखें तो आप यहाँ पर रिकॉर्ड एनिमेशन में आके हम पर रीसाइज करके अपने हिसाब से स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसी एस कैप्चर में आके आप फनी स्क्रीनशॉट भी इसमें ले सकते हैं। आप अलग अलग शेप में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो शेप में आपको स्क्रीनशॉट चाहिए। दोस्तों अगले फीचर की बात करने के लिए इसी नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद इस तरह से स्लाइड करने के बाद आपको मिलता है डू नॉट डिस्टर्ब। इसको ऑन करेंगे तो कॉल मैसेज कुछ भी आने के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा क्योंकि आपका स्मार्टफोन वो हाइब्रिड और रिंगटोन दोनों नहीं करेगा। इसके बाद आप यहाँ पर रिकॉर्ड स्क्रीन मिलता है मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग मिलता है, टिक करके इसको एग्री हो जाना। इसमें पहली बार आपको इस तरह से आएगा ये सेटिंग, यहाँ पर सारे सेटिंग्स वगैरह कर लेना। उसके बाद आप यहाँ पर स्टार्ट करेंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग को तो स्टार्ट हो जाता है। अगले फ्यूचर के लिए इसी नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद पेंसिल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर नीचे बहुत सारे और भी बटन होते हैं। मिनी स्क्रीन मोड है, इसको भी ड्रैग करके ऊपर ले लेता हूँ। एक्स्ट्रा डिम इसको भी ड्रैग करके ऊपर ले लेता हूँ। फोकस मोड इसको भी ड्रैग करके ऊपर ले लेता हूँ। आपको जो अच्छा लगे इसको ड्रैग करके ऊपर ले लेना। मिनी स्क्रीन मोड मतलब इतना छोटा करके अपने स्क्रीन को यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक्स्ट्रा डिम मतलब आपने ब्राइटनेस को पूरा कम कर लिया है और कम करना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा डिम को ऑन करेंगे तो और भी ब्राइटनेस कम होता है। उसके बाद फोकस मोड, यहाँ पर आप एक एप्लीकेशन, दो एप्लीकेशन, चार एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन भी ना आए और वो एप्लीकेशन ओपन भी ना हो, ऐसे आप सेट कर सकते हैं। एप्लीकेशन को सेट कर लेना है, यहाँ पर टर्न ऑन कर लेता हूँ उसको। तो यहाँ पर वो एप्लीकेशन को ओपन करूँगा तो ओपन भी नहीं होगा और इसके नोटिफिकेशंस भी यहाँ पर हमको नहीं आएंगे। तो जैसे मैं इस फोकस मोड को ऑफ करता हूँ तो इसके नोटिफिकेशंस भी आएंगे यहाँ पर और ये एप्लीकेशन ओपन करूँगा तो ओपन भी होंगे। अगले फ्यूचर की बात करने के लिए इस फोन के सेटिंग्स में आके यहाँ पर आपको लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर में आना है। आपको मिलता है थीम, तो आप डाउन मोड पर क्लिक करके और भी बहुत सारे आप यहाँ पर थीम्स आपको मिलते हैं। जो थीम आपको अच्छा लगता है इसको डाउनलोड करके अप्लाई करेंगे तो आपके पूरे फोन का लुक ही चेंज हो जाता है। दोस्तों चलिए और आता हूं इसी लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर सेटिंग में आने के बाद आपको यहां पर मिलता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, इसको ऑन कर लेना। और एओडी स्टाइल मतलब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर स्टाइल कैसा चाहिए आपको उस स्टाइल को आप यहां पर सेट कर सकते हैं। तो जैसे आप लॉक करते हैं अपने फोन को तो इस स्टाइल में वो दिखता है। और अगले फीचर की बात करने के लिए इसी लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर सेटिंग में आने के बाद आपके यहाँ पर यूआई कलर मिलता है मतलब आपको जो यूआई है उसके कलर को आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए अभी फिलहाल इस कलर में ना आपका यूआई जो आपको अच्छा लगे उस कलर को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पर देख लीजिए अभी कुछ इस तरह से हो चुका है कलर। इसके बाद यहाँ पर आप इसी यूआई कलर में आकर नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको मिलता है अप्लाई कलर टू आइकन, आप इसको ऑन करेंगे तो आपके यूआई कलर के जैसे हो जाएंगे आपके एप्लीकेशन। तो मैं बताऊंगा कुछ इस तरह से हो जाते हैं। दोस्तों अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन के सेटिंग्स में आएंगे, यहाँ पर आपको लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर सेटिंग में वापस से आना है। वॉलपेपर पर आपको क्लिक करना है, आपके यहाँ पर बहुत सारे वॉलपेपर्स मिलते हैं, जो अच्छा लगे इसको आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पर लोकल इमेजेस पर क्लिक करके आ सकते हैं अपने गैलरी में, अपने गैलरी का फोटो आप रखना चाहते तो आप इस तरह से सेलेक्ट करके या होम स्क्रीन के लिए चाहिए या लॉक स्क्रीन के लिए चाहिए यहाँ से आप वो भी सेट कर सकते हैं, या लॉक या होम दोनों स्क्रीन के लिए चाहिए तो आप इसको बहुत पर सेट कर सकते हैं। सेट करके यहाँ पर राइट पर क्लिक करेंगे तो वो सेट हो जाता है। दोस्तों तो चलिए अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन के सेटिंग्स में आते हैं इस तरह से नीचे आपको एप्स में आना है। उसके बाद आपके यहाँ पर सी ऑल एप्स मतलब कौन से एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन को आप हमेशा के लिए बंद करना चाहते हैं उस एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन को बंद कर सकते हैं, उसमें आना। यहाँ पर नोटिफिकेशन में आना, ये ऑन रहता है इस तरह से, ऑन है तो आप इस तरह से ऑफ करेंगे तो इसके नोटिफिकेशन ही यहाँ पर हमको नहीं आएंगे। और इसी एप्स में आने के बाद नीचे आने के बाद आपके यहाँ पर मिलता है स्क्रीन टाइम मतलब सुबह से लेकर अभी तक आपने कितने मिनट्स और कितने घंटे फोन को यूज़ किया है, यहाँ पर आप वो देख सकते हैं। और बैक आने के बाद आपके यहाँ पर मिलता है ऐप क्लोन मतलब आप यहाँ पर जो एप्लीकेशन दिखेंगे उनको आप डुअल कर सकते हैं, बस आपको इस तरह से ऑन करना होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी वो दो हो चुके हैं। दोस्तों अगले फ्यूचर के लिए भी सेटिंग्स में आता हूँ इस तरह से नीचे नोटिफिकेशन में आता हूँ। आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री में आना है, इसको ऑन कर लेना है। आपको WhatsApp पर कोई भी मैसेज करके एवरीवन डिलीट करता है तो वो मैसेज भी आपको यहाँ पर दिखता है। एक स्टेप बैक आके आता हूँ इस तरह से नीचे नोटिफिकेशंस ऑन लॉक स्क्रीन में आके आप यहाँ पर डोंट शो एनी नोटिफिकेशंस कर लेना है। आप यहाँ पर शो करेंगे तो कोई भी नोटिफिकेशंस वगैरह आपको आते हैं, मैसेजेस वगैरह आते हैं तो वो लॉक स्क्रीन पर दिखते हैं। आप कहीं भी स्मार्टफोन को रखते हैं तो लॉक स्क्रीन से OTP लेकर आपके अकाउंट्स को कोई भी हैक कर सकता है। OTP लॉक स्क्रीन से कैसे भी लेगा, लॉक स्क्रीन पर तो दिखेगी, तो इसलिए आप यहाँ पर डोंट शो एनी नोटिफिकेशंस कर लेना है। लॉक
स्क्रीन पर आपको नोटिफिकेशन ओटीपी कुछ भी नहीं दिखेंगे। देखने के लिए अनलॉक करके नोटिफिकेशन पैनल में आपको आना होगा, यहाँ पर आपको दिखेगा दोस्तों। तो चलिए और अगले फ्यूचर की बात करने के लिए नीचे आने के बाद वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन, आप इसको ऑन करेंगे तो आप लॉक करके रखेंगे स्मार्टफोन को तो कोई भी नोटिफिकेशन आते हैं तो स्क्रीन ऑन हो जाता है। और चलिए और नीचे आते हैं, यहाँ पर ऐप एकन बैडेस में आपको आना है। आप हम डू नॉट डिस्प्ले करेंगे तो कुछ भी नहीं बताएगा, कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आता है तो आप यहाँ पर करेंगे डॉट, तो कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आता तो एक डॉट बताएगा उस एप्लीकेशन के ऊपर। आप यहाँ पर करेंगे नंबर्स तो क्वांटिटी बताएगा, एग्जांपल आपको व्हाट्सएप से 50 नोटिफिकेशन आते हैं तो 50 बोलकर लिखा हुआ दिखेगा व्हाट्सएप एप्लीकेशन के ऊपर। अगले फ्यूचर की बात करने के लिए इस फोन के सेटिंग्स में आके नीचे सिक्योरिटी में आना है, उसके बाद गूगल प्ले प्रोटेक्ट के ऊपर क्लिक करके स्कैन कर सकते हैं। हैकिंग के रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन है तो यहाँ पर आपको स्कैन करके बताता है। एक स्टेप बैक आके एकदम नीचे आना है, ऐप पिनिंग में आना है, यहाँ पर इसको ऑन कर लेना है, ओके पर क्लिक कर देना है। एग्जांपल इस एप्लीकेशन को ओपन करके मेनू बटन के ऊपर क्लिक करके उस ऐप के नेम के ऊपर क्लिक करके पिन पर क्लिक करके ओके पर गॉट इट के ऊपर क्लिक करेंगे, ये पिन हो जाता है। जो एप्लीकेशन इस तरह से आप करेंगे वो एक ही एप्लीकेशन आप यूज कर सकेंगे। बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन कुछ भी क्लिक करेंगे तो कुछ भी होगा ही नहीं। आप इसको निकालना चाहते हैं तो बैक और मेनू दोनों बटन के ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है, उसके बाद आपको अनलॉक करना है, आपका स्मार्टफोन लॉक हो जाएगा। अनलॉक करेंगे तो बैक करेंगे तो बैक होगा। अगले फ्यूचर के लिए आपको आना है इस फोन के सेटिंग्स में आना है इस तरह से नीचे शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी में, उसके बाद स्मार्ट मोशन में आना है और शेक टू टर्न ऑन द फ्लैशलाइट। आप इसको ऑन करेंगे तो आप होम स्क्रीन पर रहकर दो बार इस तरह से शेक करेंगे स्मार्टफोन को तो फ्लैशलाइट ऑन हो जाता है। उसके बाद स्मार्ट कॉलिंग में आएंगे, यहाँ पर आपको इस सेटिंग को ऑन करना है। आप कोई भी नंबर के डिटेल्स में जाके इस तरह से कान के पास लेकर जाएंगे फोन को तो उसको ऑटोमेटिक कॉल चला जाएगा। उसके बाद स्मार्ट आंसर को ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कॉल आता है, जैसे कान के पास लेकर जाएंगे फोन को तो ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाता है। इसके बाद स्मार्ट स्विच को ऑन करेंगे तो अब मतलब कॉल पर बात कर रहे हैं, कॉल कट नहीं हुआ। कान के पास से फोन को निकालेंगे तो ये एयर स्पीकर बंद हो जाएगा, ये मेन स्पीकर पर आपका कॉल कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद स्मार्ट म्यूट और इन दोनों सेटिंग्स को ऑन करना, आपको कॉल आता है तो फ्लिप करेंगे फोन को तो रिंगटोन म्यूट हो जाता है लेकिन कॉल तो आता ही रहेगा वो दोस्तों। तो चलिए और बैक आने के बाद आपके यहां पर स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ में आना है, रेस टू वेक को ऑन करेंगे तो अब मतलब लॉक करके कहीं भी स्मार्टफोन को रखेंगे, जैसे फोन को उठाकर हाथ में लेते हैं तो ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाता है। डबल टैप टू वेक को ऑन करेंगे तो ऑफ रखें आप फोन, डबल टैप करेंगे तो ये स्क्रीन ऑन हो जाता है। और उसके बाद डबल टैप टू टर्न ऑफ इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो आप लॉक करना चाहते हैं तो होम स्क्रीन पर जहां पर भी खाली जगह दिखता है डबल टैप करते हैं तो लॉक हो जाता है। दोस्तों अगले फ्यूचर की बात करने के लिए इस फोन के सेटिंग्स में आएंगे, शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी में आएंगे और यहाँ पर क्विक एक्शन में आएंगे। अब मान लो आप लॉक करके अपने स्मार्टफोन को वैल्यू मैनेज बटन के ऊपर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो फ्लैशलाइट ऑन हो जाती है, एक और बार लॉन्ग प्रेस करेंगे तो फ्लैशलाइट ऑफ हो जाती है। आप इसमें दूसरा फीचर भी लेकर आ सकते हैं, उसके लिए ओपन ऐप पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको सारे एप्लीकेशन, आप कोई भी एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद लॉक करके रखें, वैल्यू मैनेज बटन के ऊपर लॉन्ग प्रेस करेंगे और ये अनलॉक करेंगे तो डायरेक्ट वो एप्लीकेशन ओपन हो जाता है जो आपने वहाँ पर सेलेक्ट किया था। अगले फ्यूचर की बात करने के लिए इस फोन के सेटिंग्स में आएंगे, नीचे आएंगे शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी में आएंगे, यहाँ पर आपको मिलता है इजी टच, इसको ऑन कर लेंगे और यहाँ पर इसका स्किन को भी आप चेंज कर सकते हैं, इसके स्टाइल को आप यहाँ पर चेंज कर लेना। उसके बाद यहाँ पर ये निकल कर आएगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इतने सारे फीचर्स इसमें यूज़ कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, छोटा सा निकल कर आएगा और स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, फ्लैशलाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पर कस्टमाइज मेनू पर क्लिक करके अपने मनपसंद के एप्लीकेशन भी आप यहाँ पर ऐड करके रख सकते हैं। आप यहाँ पर ऐड करके रख लिया तो आप कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो तुरंत आप इसके ऊपर क्लिक करके वो एप्लीकेशन को यहीं से ओपन कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए और बैक आता हूं, आपको इसी शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आना है, सेटिंग्स में आके शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आना है। उसके बाद आपको मिलता है फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल, आप इसको ऑन करेंगे तो आप वीडियो कॉल करते हैं तो आपका फेस ब्यूटी दिखेगा, खूबसूरत दिखेंगे आप। तो चलिए बैक आने के बाद आपके यहाँ पर मिलता है फ्लैश नोटिफिकेशन, आप इसको ऑन करेंगे तो आप कॉल आता है तो जो पीछे फ्लैशलाइट है वो फ्लैशलाइट ब्लिंक करेगा, मतलब लगेगा। और अगले फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर जो साइड में गूगल है, गूगल न्यूज़, ये नहीं आना चाहिए तो यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करेंगे, होम सेटिंग्स में आएंगे, गूगल डिस्कवर को ऑफ करेंगे तो अभी ये नहीं आएगा। अगले फीचर के लिए भी होम स्क्रीन पर लॉन्ग प्रेस करके होम सेटिंग्स में आके यहाँ पर दोस्तों स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन में आके नोटिफिकेशन सेंटर पर सेट कर लेना है। अभी आपको नोटिफिकेशन पैनल निकालना है तो ऊपर से खींचने की जरूरत नहीं, नीचे से बस इतना करना, ये निकल कर आता है।
अगली फ्यूचर के लिए आपको यहाँ पर जो एप्लीकेशन दिख रहे हैं यहाँ पर ये नहीं आना चाहिए, सजेशन एप्लीकेशन नहीं आना चाहिए। तो आप यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके होम सेटिंग्स में आके ऐप सजेशन बार को ऑफ कर सकते हैं, तो ये एप्लीकेशन जो आपके यहाँ पर ऊपर दिख रहे थे वो नहीं दिखेंगे। आप इसको ऑन करेंगे तो जो एप्लीकेशन आप ज्यादा यूज करते हैं यहाँ पर आपको ऊपर सजेस्ट करता है वो। और अगली फ्यूचर की बात करने के लिए आपको आना है दोस्तों ऐप मैनेजर एप्लीकेशन में, इसको एग्री होना इसमें दो बार, उसके बाद ऑप्टिमाइज कर लेना। आप ऑप्टिमाइज करेंगे तो आपका स्मार्टफोन और भी स्पीड चलता है। बैक आने के बाद आपके यहाँ पर टूल्स में आना है, उसके बाद आपके यहाँ पर मिलता है ऐप इंक्रिप्शन, इस सेटिंग में आपको आना है। आप यहाँ पर पैटर्न पिन पासवर्ड जो रखना चाहे रख लेना। अगले स्टेप में आने के बाद आपके यहाँ पर हाई वगैरह कुछ भी डाल देंगे तो चलेगा। उसके बाद ऐप इंक्रिप्शन में आके ऐप लॉक टाइम पर क्लिक करके जो बीच वाली सेटिंग है इसको सेट कर लेना और उन एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेना जो एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद लॉक पूछना चाहिए। आपने सेलेक्ट कर लिया तो अभी हम उस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो लॉक पूछता है। और इसी ऐप मैनेजर में आएंगे, इसी ऐप इंक्रिप्शन में आएंगे, वो जो हमने लॉक सेट किया था उसको अनलॉक करेंगे। ऐप हेडिंग पर क्लिक करके एप्लीकेशन को हाइड भी कर सकते हैं, जो एप्लीकेशन हाइड करना है उसको यहाँ पर हम करेंगे सेलेक्ट। अब यहाँ पर वो हाइड हो जाएगा, यहाँ पर हमको नहीं दिखेगा। अगले फ्यूचर के लिए यहाँ पर जो पंच होल में लाइटिंग है ये कैसे सेट करें आपको मैं बताऊंगा। कैमरा में जो लाइटिंग, यहाँ पर आपको क्रोम को ओपन करके रिंग रिंग एपीके सर्च करना है। आपको सर्च करके आपको यहाँ पर कोई भी वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है इस एप्लीकेशन को। आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको क्रोम से ही डाउनलोड करना पड़ेगा। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसको ओपन करना, ओपन करके सारे परमिशंस देना। जैसे आपने सारे परमिशन दिया तो ये ऑफ रहेगा। सबसे पहले इसको ऑन कर लेना है और इस कंट्रोलर से अपने कैमरा के पास लेकर जाना है इस रिंग को, और इस कंट्रोलर से इसको छोटा कर लेना है। ये हो गया, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट तो कुछ इस तरह से रहता ही है। आपको यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके सिंगल कलर को सेलेक्ट कर लेना है और इसके ऊपर क्लिक करके प्रीसेट पर क्लिक करके जो कलर सेट करना चाहते हैं उस कलर को सेलेक्ट कर लेंगे। ओके पर क्लिक करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करके प्रीसेट के ऊपर क्लिक करके वही कलर को एक और बार सेलेक्ट करके ओके पर क्लिक करेंगे। ये इस तरह से सेट हो जाता है। दोस्तों अगले फ्यूचर के लिए एक और कमाल की चीज़ आपको मैं बताऊंगा, ये है दोस्तों कैमरा प्रोटेक्टर। इसको परचेस करने के लिए परचेस लिंक आपको नीचे मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इसको परचेस करके कैमरा के पास इस तरह से इसको चिपका लेना, काफी कमाल का दिखता है ये। कैमरा सेफ भी रहता है और दिखता भी कमाल का है। अगले फीचर के लिए यहाँ पर जो कैमरा के पास रिंग लाइट है इसको यूज करने के लिए आपको ओपन करना है कैमरा ऐप को। यहाँ पर फ्लैशलाइट के आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर औरा लाइट को ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाता है। और इसके कलर को चेंज करने के लिए आप इसके कलर को चेंज कर सकते हैं, जिस कलर पर आप इसको रखेंगे वो उस कलर में दिखेगा ये लाइट। ये देख सकते हैं एक अच्छा सा बैक कवर और अच्छा सा एक प्राइवेसी स्क्रीन गार्ड आपको मैं सजेस्ट करूंगा। डिस्क्रिप्शन में परचेस लिंक मिल जाएगी, परचेस कर लेना। स्क्रीन गार्ड जरूर परचेस कर लेना दोस्तों, प्राइवेसी स्क्रीन गार्ड सजेस्ट किया हूँ, नीचे लिंक है। तो ये थे दोस्तों इसी वीवो Y200 5G स्मार्टफोन के आपको मैंने 60 से ज्यादा फीचर्स बता दिया। आपको कौन सा फीचर अच्छा लगा नीचे कमेंट्स में बता देना। और आप इसी स्मार्टफोन के रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हैं, जैसे कि इसी तरह के 100 से ज्यादा फीचर्स वाला वीडियो या इसके अलावा और भी दूसरे वीडियोस देखना चाहते हैं इसी स्मार्टफोन के रिलेटेड, तो प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।